8 लेजेंड बिलाल अहमद अर्शद। तो आपके सामने हाजिर है मिस्टर सैयद बिलाल अहमद अर्शद। मिस्टर साउथ एशिया, मिस्टर पाकिस्तान 3 times, साउथ एशियन गोल्ड मेडलिस्ट। आपकी तालियों से ही पोजी होगी माशाल्लाह। देखो तुम मुझे दुआएं नहीं करती, इसीलिए देखो तुम्हें दाना निकला है, ये तुम मुझे दुआएं नहीं करती हो। सब आऊं किधर गया? सब सोचो क्या अंदर सबसे पहले चलते हैं मस्जिद नमाज पढ़ते हैं, फिर तुम लोग को आज का सीन बताते हो कि आज का सीन क्या है। अरे जाते हैं नमाज पढ़ते हैं, जुमे वाला दिन है। सो हेलो, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक विद अ न्यू व्लॉग। सो क्या उम्मीद करता हूँ सब खैर होंगे, ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, लश पश होंगे। शुक्र अल्लाह, जुमा शुमा पढ़ के आ गए, अभी तैयार हो गए, जा रहे जाके रहे जा रहे पशीन पशीन है एक कॉम्पिटिशन। और बाकी तुम लोग पूछ रहे हो कि यार कितने दिन से तुम कहाँ गायब थे, ना व्लॉग पे व्लॉग, जहाँ पे तुम बोल रहे थे रेगुलर व्लॉगिंग हो रही, यहाँ पे तुमने अचानक इतना बड़ा गैप ले लिया। ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसकी वजह से आपको गैप लेना पड़ता है। सो आप लोग भी कुछ ऐसा समझो और मुझे अपने दुआओं में याद रखो कि अल्लाह ताला सब कुछ अच्छा करे, बेहतर करे। बाकी मैंने छोटा सा पॉज ले लिया था, इट्स लाइफ, सो ये होता रहता है। सो आप लोग टेंशन नहीं लो, आगे इंशाल्लाह व्लॉग्स आते रहेंगे, रेगुलर नहीं लेकिन हफ्ते में 2 या 3 व्लॉग्स लाजमी आया करेंगे। सो जा रहे आज पेशेंट बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन है, उधर जा रहे तैयार शहर हो गए, अभी जाते दोस्त को उठाते, सबसे पहले जाए दाढ़ी थोड़ी सी बराबर करते फिर चलते चलते नाश्ता तक नहीं किया, नाश्ता भी उठाता हूँ अपना साथ रास्ते में करता हूँ। सो लेट्स गो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गाड़ी स्टार्ट कर लिए, सफ़र अपना हो गया शुरू, जाता हूँ दोस्तों को उठाता हूँ। एनी वेज जिस अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो जाके चैनल सब्सक्राइब कर दो और मेरे व्लॉगिंग के मेंबर बन जाओ, मेरे बड़ा डंग बन जाओ, बड़ा डंग बोलते दिल के टुकड़े को। सो जल्दी से जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मेरा दिल का टुकड़ा बन जाओ। सीन कुछ इस तरह कि अगर मैं कभी ज़िंदगी में ना व्लॉगिंग छोड़ना भी चाहूँ ना तो मैं तुम लोगों के खातिर व्लॉगिंग नहीं छोड़ सकता। अब तुम मेरे साथ ऐसे जुड़ गए हो ना कि अगर मैं व्लॉगिंग छोड़ना भी चाहूँ, मैं रेस्ट भी लेना चाहूँ, मैं बेजार हो भी जाऊँ ना, मैं कभी छोड़ नहीं सकता तुम लोग के खातिर। क्योंकि अकेले अगर मैं फ़र्ज करो किसी सिचुएशन में फंसता हूँ, मेरे ऊपर कोई परेशानी कुछ चीज सी आती है, सो उसकी वजह से मैं तुम सब पर जो है वो नहीं डाल सकता। मैं तुम लोग को इसी तरह इंटरटेन करता रहूँगा, इसी तरह तुम लोग को जो है मोटिवेट करता रहूँगा अपने बातों से, अपने व्लॉग से या अपने अचीवमेंट से। इसी तरह इंशाल्लाह तुम लोग को मेरा हमेशा कोशिश रहेगा तुम लोग को मोटिवेट करो। सो तुम लोग के लिए मेरे दिल का टुकड़े हो तुम लोग। सो कुछ भी हो जाए इंशाल्लाह तुम लोग को साथ रहूँगा, व्लॉग कभी नहीं छोड़ूंगा, व्लॉग आया करेगा इंशाल्लाह। बस तुम लोग भी मुझे अपने दुआ में याद रखो कि अल्लाह ताला जो है मुझे हर बड़ी मुश्किल से बचाए और मेरी हिफाजत करे, और अल्लाह ताला तुम लोग का भी हिफाजत करे, तुम लोग को भी अल्लाह ताला हमेशा खुश रखे, आबाद रखे और हर मसले मसाइल से दूर रखे। बाकी इसी तरह मोटिवेट रहो, कामयाब रहो, अल्लाह तुम लोग को खुश रखे और मेहनत करते रहो। ड्रीम्स दिल टूट जाए वो मेरा हमेशा एक बहुत बड़ा फेमस मेरा डायलॉग है, मेरा नहीं है खैर, लेकिन मैंने अपने एक वीडियो पर लगाया था, बोलते हैं दिल टूट जाए कोई मसला नहीं, सपने नहीं टूटने चाहिए। सो दिल को छोड़ो, सपनों पे फोकस करो, ड्रीम्स ड्रीम बिग। सो इस वजह से अभी आगे दोस्त को उठाते चलते हैं। बाकी जिसने भी मुझे मोटिवेट किया कि व्लॉग बनाओ, अल्लाह सब खैर करेगा इंशाल्लाह, ये वो ना। सो उनके लिए मैं बहुत थैंक यू सो मच कि उन लोगों ने मुझे इतना मोटिवेट किया। और जहरी बात है जो देख रहा होगा उनको पता होगा कि मैं किसकी जिक्र कर रहा हूँ। आई लव यू गाइज, इसी तरह खुश रहो, आबाद रहो, कुर्बान इसी तरह मुझे मोटिवेट करते रहो, मैं आप लोग को मोटिवेट करता रहूँगा और इसी तरह व्लॉग जाते रहेंगे। अभी आ गए दोस्त के पास, इसको उठाते और चलते। पूरी नज़र से बचा के दाढ़ी मारी बनाते हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, मिनट में बनाते हैं जादू में। ये फ्रेश फ्रेश हो गए, चलते रोल को उठाते, टाइम बहुत कम है, लेट हो रहा है, लेट्स गो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं खाली से करो ये सर वाली बेकरी से एक ब्राउन ब्रेड पकड़ो,
मैंने नाश्ता नहीं किया, रास्ते पर नाश्ता करते हुए जाता हूँ। ये रुक के एक स्पॉट पे मैं पूरा रास्ते अच्छा जगह ढूंढ रहा था कि कहीं उतर के अपनी कोई ज़बरदस्त वीडियो बना ले, जैसे लास्ट टाइम मैंने स्वात मोटरवे वगैरह पे बनाया, लेकिन उधर नहीं मिला। फिर ये पशिंग का जो पुराना एयरपोर्ट है, इस पर मैं जो है गाड़ी मैंने रुकी है। खैर, और दूसरा बात है, एक सरप्राइज़ कुछ इस तरह है कि रोहेल का जो है, जो मेरा स्टूडेंट है रोहेल, उसने करना है अच्छो पोजिंग। तो मैंने परसों ही उसको जो है उसकी पिक्चर भेज दिया था। मैंने कहा इसका पिक्चर लाजमी लगवाना है पैनाप्लेक्स पे। अब मेरे लिए छोटा सा उसकी तरफ से ये एक एफर्ट है, लेकिन अगर ये पिक्चर लगाता ना तो इसका दिल बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगा, क्योंकि पर्टिकुलर पर कुछ नहीं चाहिए तो छोटे चीज़ होता है जो उसको चाहिए होता है, कि जब आप जहाँ पे उसको इज्जत मिलती है, थोड़ा सा प्रोटोकॉल मिलता है। ये पिक्चर आप लोग देख सकते मैंने इसको भेजा है, ये मैंने कहा इसको क्रॉप करके इसकी पिक्चर लगाना। अब पैनाप्लेक्स बन गया, उसमें से जो है ओवरऑल हम लोगों का पिक्चर है, लेकिन इसका पिक्चर नहीं है। लेकिन खैर, अभी अल्लाह करे उधर जाके कोई पिक्चर लगाओ, इसके लिए सरप्राइज़ हो जाएगा। सो खैर, अभी जाके देखते, पहले इधर अपनी वीडियो शूट बना लें, उसके बाद फिर जाके देखते कि क्या सीन है। पहले अपने ज़बरदस्त रील्स बना लें। ये ऑलमोस्ट पहुँच गए पशीन, खैर से पहुँच गए। हाँ भाई, तुम तैयार हो? आज तुम्हारा शो पोजेंगे यार, जो है ना। बाकी तुम लोग को बात तो तुम लोग बता दिया, अल्लाह करे उसी तरह शो पोजेंगे। तुम्हारा अच्छा पोजिंग करना, मेरे नाक नहीं कटवा देना, पता लगना चाहिए कि भाई बिलाल का शागिर्द पोजिंग कर रहे हैं। क्या अर्नाल्ड क्लासिक अर्नाल्ड के तुम उसके भी बराबर नहीं हो, ठीक है, बड़ी बात नहीं कर। अभी पहुँच के पशीन, अभी ये जा रहा है जिस कॉलेज में कंपटीशन है। लोकेशन पे पहुँच के चलो भाई तैयार हो जाओ, हाँ पोजिंग कर रहे हैं, बजाते साथ शर्ट उतार दो, ठीक है। मस्त है, गजब टूबी वाज आदमी हो। सर पीछे मैं आपको ऑडियंस दिखा देता हूँ। ये स्टेज ये रहा जजिंग शीट आ गया, इसके बाद रखेंगे स्टेज पे। इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ सबको कैप्चर कर, सबको तुम लोग दिखाता चलो। Можеш да я програм ки рапшлыксы ведрану мельманота шарагластвою лазрала беха та стулс гзарешку читасу змжда драно мельману по кадрки забардасти чевчеки вакой. Мари башини се талук ракне вале та легендари бодибилдер सैयद बिलाल अहमद वर्शीन हमारे बीच में मौजूद हैं। यू आर द विनर ऑफ मिस्टर साउथ एशिया 3-time मिस्टर पाकिस्तान, साउथ एशियन गोल्ड मेडलिस्ट, वर्ल्ड फेडरेशन में 4th place हासिल करने वाले। प्लीज वेलकम भरपूर तालियों में द वन एंड ओनली सैयद बिलाल अहमद वर्शीन। होनी चाहिए तानी की गूंज में लेजेंड विलाल अहमद वर्शी। We all are proud to be the part of this state, the part of this land. We all are proud to be Pakistanis. So in the honor and the respect and legacy of the national anthem of Pakistan, aap tamam ahbab se guzarish ki jati hai ke qaumi tarane ke ehsaas mein apne apni nishist pe khade ho jaye, please. طولمنگر سے گزارش دی چتاس پر خپل ځای ولاړ سي د قومي ترانې په قدر بالاس के सारे पीछे जाए रिलैक्स करें। आप लोगों में से जो भी फर्स्ट पोजीशन होल्डर होगा
आर क्लास है के विप इमनामुल्ला को ट्रॉफी दे रहे डॉक्टर मोहम्मद नसीम। डॉक्टर नसीम स्पोर्ट्स की दुनिया में एक अपना नाम रखते हैं। हमारी क्लास थ्री फशीन फिजिक में इनाम लॉग इन कर चुका। हाँ भाई गुड लक यार, माशाल्लाह यार सब मुबारक, माशाल्लाह गुड लक, माशाल्लाह सब अच्छे थे। अगली दफा मेहनत कर, इसको मैंने मना भी किया था, मैंने कहा नहीं करो, इस दफा नहीं करा, अगली नहीं करना है, चलो एक्सपीरियंस के लिए अच्छा है, माशाल्लाह गुड सब कुंभर बस गुड श्रद्धा बस ये तो कल था डाइट नो मान है कल भी मिसी करा के कल भी रोजी पड़ा दी कल भी चीज पड़ा दी अगर डेर सस्ता हो मैं सेकंड देखो जो भी है ये मेरा कज़न है उसको मैं जानता भी नहीं हूँ, लेकिन जो भी है कज़न हो भाई हो जो भी है स्पोर्ट्समैनशिप तो खराब नहीं कर रहे हैं, जो डिजर्व करते हैं वो है। गुड लक फॉर नेक्स्ट टाइम सब। देखो मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ जीतने वाले से हारने वाला ज़्यादा खतरनाक होता है, वो डिपेंड करता है हारने वाले में कितना दम है दोबारा आ सकता है नहीं। वो जो किधर गया कारी कारी, वो दूसरा कारी वो 3 साल से आ रहा है, इस साल जाके जीता है अपना क्लास जीता है वो कारी इनामुल्ला 3 साल से आ रहा है, इस दफा जाके जीता है। सो गुड लक माशाल्लाह, गुड लक माशाल्लाह बस फर्स कहिए बाबू मोटिवेट करेगा, पोजिंग किस तरह होती है और बॉड बिल्डिंग क्या है, ये सब चीजें इस वक्त आपके। रॉयल खान को एप्रिसिएशन मेडल और एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट इस वक्त दिए जा रहे हैं भरपूर तालियों में। पश्चिम बॉर्डर लड़का विनर है, वो लड़का सेकंड है, लेकिन जीतने पे उसने इसके लिए थालियां बजाई है, ये होती है असल स्पोर्ट्समैनशिप माशाल्लाह। आयाज आली बॉक्सिंग एकेडमी से इस बच्चे का ताल्लुक यार गोल्ड जिम से माशाल्लाह, ये होता है टैलेंट माशाल्लाह। कितना उम्र है तुम्हारा? 9 साल की हो माशाल्लाह, इतने टैलेंट है माशाल्लाह। आपको बताता चलूं, ये क्लास लादी मगर छेचती खरगोश कम यो मखवाला का शावला साउद तक आशुर द्वारा यो definitely
स्टेज से थोड़े से हट जाइए प्लीज। तो आपके सामने हाजिर है मिस्टर सैयद बिलाल अहमद खुर्शीद, मिस्टर साउथ एशिया, मिस्टर पाकिस्तान 3 times, साउथ एशियन गोल्ड मेडलिस्ट, वर्ल्ड 4th place। तो आपके सामने स्टेज पे आपकी तालियों से ही पड़ती होगी। बिलाल अहमद का टीचर रह चुका है सर सैयद अब्दुल्वासेआगा। बिलाल सिर्फ बेहतरीन बॉल बिल्डर भी नहीं है, बेहतरीन शागिर्द, बेहतरीन बेटा और एक बेहतरीन एथलीट भी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारी दुआएं और नेक तमन्नाएं हमेशा ग्रेट हीरो बिलाल के साथ रहेंगे। माशाल्लाह Oh, 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 oh
के पास। इरफान भाई कैसे हो? ठीक हो? मजे में फिट हो? फैजान भाई का बड़ा भाई है यार, ये देखो कैसा बंदा है इरफान भाई। देखो चाय देखो, इधर किधर के बिस्किट देखो, अंडे देखो और फ्रूट्स देखो। खुदा का कसम यार, भी हो तो तुम डाइट में लोगों को भी मार डालोगे। तुम इसको बोला तुम डाइट मैच नहीं करो, खाओ पियो। ये बोलो ये धंधा छोड़ो, ये धंधा मैं कर रहा हूँ बहुत है, ये धंधा मेरे लिए बहुत है। एक खानदान में बोलते हैं एक 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 सही है, दूसरे बंदे का फिर क्या जरूरत था। वो देखो अभी कैसे हो गया, जैसा कभी जिंगर में लटकाओ। अभी ये देखो फ्रूट देखो, चाय देखो, अंडे देखो, कस्टर्ड देखो, तुम हम लोग का पेट में वो तरतीब करवाओगे। कैसे नहीं देता है? खैर अभी खाते फिर चलते वापस घर, घर भी तो हम लोग का खुरा जो खुरा। गाइस बहुत ज़्यादा थक गए और टाइम तुम लोगों को मैं बता दूँ, ये अभी मैं हम लोग गांव से निकल रहे हैं, टाइम देखो 12:34 हो रहा है और अभी मैं अपने गांव से निकल रहा हूँ। ये हम लोग का किले छोटा सा, इधर से मैं अभी निकल रहा हूँ, ये जा रहा है क्वेटा। उफ 12:30 बजे इंशाल्लाह पहुँचते क्वेटा, पहुँच के तुम लोगों से वो करते बात करते और उसके बाद अपनी वीडियो एंड करते, पहुँच के तुम लोगों से बात करते। गुड नाइट, जब जाओ आते तो गुड नाइट, लेट हो रहा है। उसको भी उतार पर चलते, घर बहुत ज़्यादा तक गए, पहुँच के क्वेटा, फिर से पहुँच के 1:18 हो रहा है, तरतीब कर चलते।